माता के, एक पेड़ मां के नाम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस पावन आह्वान से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में वृक्षारोपण महाअभियान के एक नए अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर ब्रजलाल जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री संजय सेठ जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, संतोष सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण एवं वन श्री मनोज सिंह जी, श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रशासन वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, समाज के सभी प्रतिष्ठित महानुभाव, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले वृक्षारोपण महाअभियान के इस क्रम में एक पेड़ मां के नाम इस पावन आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं, और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं, मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया, और मुझे प्रसन्नता है कहने में कि 5 जून के बाद से लगातार प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने का यह गौरव उत्तर प्रदेश के लगभग लगभग हर परिवार को प्राप्त होने जा रहा है। एक ही दिन में इस पवित्र अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर कुल आबादी अगर 25 करोड़ की आप माने, तो इसमें आधी आबादी के हिसाब से आप जोड़े तो लगभग 3 पेड़ हर मातृशक्ति के नाम पर आज प्रदेश के अंदर लगने जा रहे हैं, एक ही दिन में लगने जा रहे हैं, जब हम 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। और मैं अब तक के आंकड़े आपको बता रहा हूं कि अब तक लगभग 12 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम संपन्न कर चुके हैं। आज के दिन पे सुबह से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, 12 करोड़ पेड़ अब तक हर जगह रोपे जा चुके हैं। एक पेड़ मां के नाम,
लेकिन इस पेड़ को लगाना भी है, बचाना भी है, और फिर इसके माध्यम से अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के कार्यक्रम के साथ भी हमें जुड़ना है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण रहेगा तो आपने देखा होगा गत वर्ष प्रदेश के अंदर एक बड़े क्षेत्रफल में, और प्रदेश ही नहीं देश में भी दुनिया में भी हम लोग देख रहे थे, अक्टूबर महीने में बाढ़ आई थी। बाढ़ का समय अगस्त और मध्य सितंबर के अंदर अक्सर रहता है, लेकिन गत वर्ष अक्टूबर के अंत में बाढ़ आई थी। बहनों और भाइयों, जुलाई प्रथम सप्ताह में कभी बाढ़ नहीं आई थी, पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में भी बाढ़ की विभीषिका को हम सबको झेलने के लिए मजबूर हुआ था। 24 जनपद अकेले उत्तर प्रदेश में, 20 लाख से अधिक की आबादी, नेपाल और उत्तराखंड में आई अति वृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में आए। ये ग्लोबल वार्मिंग के ही कुछ प्रभाव हैं, और मुझे लगता है कि इस बार का मई और जून का महीना लोगों को एक लंबे समय तक स्मरण रहेगा। टेम्परेचर सामान्यतः हम देखते थे, टेम्परेचर यहां का अमूमन जो देखते थे 42 से लेके 45 के बीच में होता था, लेकिन इस बार टेम्परेचर को 47 से लेके 50 डिग्री तक पहुंचते हुए हम सब ने देखा है। ये वे दुष्प्रभाव है जो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दुनिया के पर्यावरणविद हम सबको लगातार देते रहे हैं, और यह जल का संकट भी खड़ा करेगा। तमाम परिवर्तन के कारण असमय बारिश की संकट पैदा करेगा, कहीं सूखा का संकट खड़ा करेगा, और इसके कारण होने वाले परिवर्तन से तमाम स्थलों पर अकाल पड़ने की संभावना भी पनपती भी दिखाई देती है। इन सब से बचाव के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 2017 में सरकार बनने के बाद वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ आगे अपना कार्य करना प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है आज जहां हम लोग एक ही दिन में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, वहीं पिछले 7 वर्ष में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने अब तक 168 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है, और 168 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही प्रदेश के अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो हमने थर्ड पार्टी इन सभी लगाए गए पेड़ों को देखा है, लगभग 75 से 80% पेड़ अभी भी जीवित है, अच्छी वाटिका के रूप में वहां पर वे आगे बढ़ रही हैं। यह प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रम का अभियान का एक परिणाम है, और केवल इसको अगर मैं बोलूं, हो सकता है लोगों के लिए विश्वसनीय हो, आज वैश्विक संस्थाएं इसे मान्यता दे रही है। अभी आपने देखा होगा हमने 10 किसानों को यहां पे कार्बन क्रेडिट से, यानी कार्बन उत्सर्जन से जो पर्यावरण को क्षति हो रही है उसके बचाव के लिए जिन 10 जिन किसानों ने अब तक पेड़ लगाने के अभियान के साथ सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रम को आगे किया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, वैश्विक संस्थाएं आकर के उनका निरीक्षण की, उन्हें यहां पर कार्बन क्रेडिट के रूप में धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में दिया गया, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रयास का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्राप्त हो रहा है, जिसमें वह कार्बन उत्सर्जन को रोकने में इन पेड़ों ने जो पेड़ लगाए गए लगातार उन किसानों को 5 वर्ष तक धनराशि मिलेगी। पहले चरण में हम लोग आज 25,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि 200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे, पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ का किसी ने इमारती लकड़ी के रूप में, किसी ने फलदार, किसी ने औषधीय,
किसी ने पीपल पाकड़ बरगद, किसी ने नौग्रह वाटिका लगाई होगी, किसी ने हरशंकरी लगाई होगी, किसी ने नक्षत्र साला लगाई होगी और किसी ने अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाया। लेकिन वैश्विक संस्थाओं से मान्यता दे रही है 200 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, लखनऊ आज प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ये प्रदेश की राजधानी भी है। हम लोगों ने कल ही इसको स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में डेवलप करके इसके आसपास के क्षेत्र को आर्थिक प्रगति के एक नए मानक के रूप में स्थापित करने के एक बड़े अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। लेकिन याद रखना, विकास हम जितना करेंगे उस विकास का लाभ लंबे समय तक लोगों को तब मिलेगा जब भौतिक विकास के साथ साथ उससे होने वाली पर्यावरणीय क्षति को हम न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में भी सहायक होंगे। बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए गए, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 2017 के पहले जितनी भी शहरों के अंदर स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, ये स्ट्रीट लाइट हेलोजन के रूप में जलती थी, बिजली की भी ज्यादा खपत होती थी और उससे कार्बन उत्सर्जन भी ज्यादा होता था। लेकिन एलईडी स्ट्रीट लाइट के रूप में बदला गया। 16 लाख ऐसी लाइट हमने प्रदेश के अंदर बदली। परिणाम क्या रहा? बिजली की कम खपत, बिजली की बचत और साथ साथ उससे होने वाले धनराशि से जो बचत पैसा बचा है उसी से हम एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा दिए। अलग से कोई धनराशि देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। पर्यावरण को भी बचा लिया, बिजली को भी बचा लिया और साथ साथ हम लोगों ने अच्छी दुधिया लाइट हर सिटी के अंदर देने में हम सफल हो गए। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करना, ये पर्यावरण के लिए भी और जीव जगत के लिए भी यह एक उत्तम प्रयास हो सकता है और वह भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किया। और आज यहां पर एक कुकरेल नदी, जो कभी एक नदी हुआ करती थी, आज से 50 साल पहले कुकरेल से एक नदी निकलती हुई गोमती नदी में मिलती थी, लेकिन 84 के बाद इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया और परिणाम क्या हुआ? जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया और फिर वह उन बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गया। उसने एक नदी को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ साथ गोमती नदी को भी प्रदूषित करने का काम किया। जिस नदी संस्कृति के ऊपर मानवीय सभ्यता बसी हुई है उसको नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गोमती नदी लखनऊ में आकर के कितनी काली हो गई है, किस प्रकार की स्थिति को पहुंच चुकी है। क्या इस पाप से हम कभी वंचित रह पाएंगे जो यहां पर हुआ? और इसीलिए सरकार ने तय किया कि लखनऊ में आने वाले कोई भी अतिथि हो, कोई भी पर्यटक हो, लखनऊ वासियों के लिए भी, प्रदेश वासियों के लिए भी, हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। नाइट सफारी यहां पे लोगों के पर्यटन और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वर्धन का भी एक केंद्र बनेगा, लेकिन साथ साथ इको टूरिज्म के एक बेहतरीन स्पॉट के रूप में हम पूरे कुकरेल क्षेत्र को डेवलप करेंगे। और उसी क्रम में आपने देखा होगा इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को हटा करके जिन लोगों ने यहां पर रजिस्ट्री की थी उन लोगों को जिनके पास आवास नहीं थे उनको आवास उपलब्ध कराए गए। ऐसे 2100 परिवारों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य एलडीए ने प्रशासन की मदद से यहां पर संपन्न किया, उनको व्यवस्थित पुनर्वास हुआ। लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और खाली करवाने के बाद
जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं ये सौमित्र वन ही हैं, ये सौमित्र वन के ही हो रहे हैं। हरशंकर के एक वाटिका मुझे भी यहां पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उस पहचान को बनाए रखने के लिए सौमित्र वन यहां लग रहा है और इसके दूसरी ओर शक्ति वन लगने जा रहा है। शक्ति वन भी इसलिए, ये शक्ति भारत की नदी संस्कृति को बचाने का माध्यम बनेगा। एक पेड़ मां के नाम के इस कार्यक्रम को भी और नई मजबूती प्रदान करने में हम सबका मार्गदर्शन करेगा, प्रदेशवासियों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और आज का जो कार्यक्रम जिस स्तर पर सभी लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं हर तबके, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग, क्या पंचायती राज, क्या ग्राम विकास, क्या नगर विकास, क्या पीडब्ल्यूडी, क्या गृह विभाग, क्या सामान्य प्रशासन, क्या स्कूली विभाग, क्या टेक्निकल एजुकेशन, क्या मेडिकल एजुकेशन, सभी विभाग वन विभाग के नेतृत्व में इस कार्यक्रम के साथ लगे हैं। हर जनपद लगा है, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण लगे हुए हैं, माननीय सांसद माननीय विधायकगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं तो पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान करूंगा, हमारे पास पेड़ों की कमी नहीं है। अकेले वन विभाग और उद्यान विभाग के पास 50 करोड़ पौध है, निजी नर्सरी में लगभग 4 करोड़ पौध मौजूद है, इसमें छायादार भी हैं, इमारती लकड़ियों से भी हैं, फलदार भी हैं, औषधीय वृक्ष भी हैं, सजावट वाले भी हैं, हर प्रकार के पौधे आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि हम जगह जगह वाटिका विकसित करेंगे, जैसे सौमित्र वन और शक्ति वन यहां लगाए जा रहे हैं, इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर, कहीं हरशंकरी का, कहीं पे नवग्रह का, कहीं पे नक्षत्र वाटिका का, कहीं पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का भी कार्यक्रम हो रहा है। प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया स्वयं सीतापुर में इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण अलग अलग जनपदों में इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ करके सभी प्रकार के जनप्रतिनिधिगण, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुखगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, समाज के अलग अलग तबके के लोग भी इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और सायंकाल होते होते आपको इस शुभ सूचना मिलेगी कि उत्तर प्रदेश ने जो अपना टारगेट तय किया था उस टारगेट को अचीव किया है, और उसके साथ ही एक पवित्र अभियान को हम एक नई ऊंचाई तक प्रदान करने का काम भी करेंगे। आज के इस अवसर पर मेरा आप सबसे आह्वान होगा कि जब एक पेड़ मां के नाम पे लगा हो लगा रहे हैं तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमें रखनी पड़ेगी। इसलिए पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओगे, और पेड़ बचाएगा तो पर्यावरण भी बचेगा। और